Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics instructor Furqan Ahmed Qureshi from V Tuition's learning platform studio, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Students, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे lectures बाकायदगी से देख रहे होंगे और आपको बहुत अच्छे अच्छे तरीके से समझ में आ रहे होंगे. आपको डेफिनेटली मालूम है कि हम वेक्टर्स चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का कर रहे हैं और राइट नाउ हम उसके जो न्यू लेक्चर्स हैं उसको हम करेंगे. एक्सरसाइज को जो है वो आगे प्रोसीड करते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम. मैं स्क्रीन पर भी शेयर कर रहा हूँ. All right, students, question number 7 and question number 8, exercise 3.2 ka hum aaj karenge is lecture ke andar. So, dear student, question number 7 hai, which is find the initial point of the vector. Aur 7 ka part 1, according to your mathematics book, wo hum karenge. Aur isme a vector hai, a vector is equal to minus 2, comma 1, comma 2 whole bracket. If the terminal point is 4, 0, minus 1, find the initial point of the vector A. Aap question pe gaur karein students, find the initial point of vector A, find out karna initial point. If the terminal point is 4, 0, minus 1, right students, to hum ek initial point consider kar lenge, let A R consider kar lenge, aur usko lete hue jo hai hum isko टर्मिनल पॉइंट को जो है प्रोसीड करेंगे. इफ द टर्मिनल पॉइंट इज दिस मींस के ये पॉइंट आपको दिया हुआ है 4, 0, माइनस 1, ये पॉइंट गिवन है और फाइंड क्या करना है इस पॉइंट को लेते हुए, इनिशियल पॉइंट फाइंड आउट करना है हमने ऑफ द वेक्टर ए, और ए की वैल्यू भी गिवन है विच वन इज माइनस 2, 1, 2 होल ब्रैकेट. सो इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व होगा. देखिए ए वेक्टर हमारे पास ये है विच इज माइनस 2, 1, 2, राइट स्टूडेंट्स. अब राइट नाउ जो है वो आर मैंने जैसे आपको बताया कंसीडर करेंगे, लेट आर कर लेते हैं, आर वेक्टर ले लेता हूं मैं इसको. ये ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट है स्टूडेंट्स. लेट आर बी द इनिशियल पॉइंट, आर वेक्टर बी द initial point. तो इस तरीके से जो है r जो है वो क्या होगा, initial point होगा हमारे पास. r vector be the initial point, right dear students. तो उस point को मैंने लिया, values जो है वही जो के given है हमें वही मैं ले रहा हूँ, minus 2, 1, 2. This one is 1. Alright students, minus 2, 1, 2. अब ये r vector मैंने initial point लिया हुआ है is equal to, इसको क्या करेंगे, equal to 4, 0, 0, minus 1. ये values तो देखें students given है आपके पास, ठीक है students. अब minus का ये r vector जो मैं consider कर रहा था, ये यहाँ पे जो है वो यहाँ लिख देंगे कुछ इस तरीके से r वेक्टर, राइट स्टूडेंट्स. अब उसके बाद r वेक्टर जो है मेरे पास बराबर होगा इज इक्वल टू 4, 0, माइनस 1, यहाँ पे जो है वो माइनस 2, 1, 1, 2, और इज इक्वल टू 4 प्लस 2. फोर प्लस टू जीरो माइनस वन, माइनस टू, राइट स्टूडेंट्स. उसके बाद इक्वल का साइन एज इट इज डालेंगे, 6, माइनस 1, माइनस 3, माइनस 1, माइनस 3, कुछ इस तरीके से जो है ये डियर स्टूडेंट्स परफॉर्म होगा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1. देखिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि आर को हम जो है वो लेट कर लेंगे
बी द इनिशियल पॉइंट, क्योंकि मसला जो है इनिशियल पॉइंट का आ रहा है जिसको हमने फाइंड करना है, तो उसको लेते हुए मैंने सॉल्व किया, सिंपली जो वैल्यूज थी वो पुट अप की और माइनस आर जो है इस तरफ आया तो प्लस का हो गया, और फाइनली 6, -1, -3 जो है वो हमारा आंसर जो है डियर स्टूडेंट्स आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चंस आए तो आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल इसी मेथड के थ्रू जो है आपने इसको सॉल्व करना है, जो मेथड मैंने आपको बताया है कंसीडर कर लेना है आपने एक पॉइंट, जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट आर कंसीडर किया है, उसको इनिशियल पॉइंट कंसीडर करते हुए आपने इसको सिंपली सॉल्व कर लेना है, और ये आंसर आपका इस तरीके से बहुत आसानी से आ जाएगा। सो राइट नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है हमारे पास। द क्वेश्चन 8 है, द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इज 1, -√3, -5, फाइंड के इफ द टर्मिनल पॉइंट क्या है आपके पास स्टूडेंट्स, 3, √3, k कोल ब्रैकेट। तो ये आपके पास क्या है, इनिशियल पॉइंट है। ये मैं आपको बता देता हूं, ए आपके पास वेक्टर गिवन है, ए वेक्टर आपके पास क्या है जो कि गिवन है 3, √3, k, ये तो गिवन है आपके पास राइट स्टूडेंट्स, ये मैंने लिख दिया माइनस ए वेक्टर, क्योंकि फाइंड आउट कर रहा हूँ 1, -√3, -5 राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब उसके बाद ए इज इक्वल टू 3 -1, √3, √3 + 3, √, k + 5, ये प्लस 5, ये दिस वन इज के, दिस इज नथिंग, जिसको मैं अभी क्रॉस कह रहा हूँ, और यहाँ पे √3 + √3 है, ये दिस वन राइट स्टूडेंट्स, k + 5 है उसके बाद आपके पास, और दिस वन होल ब्रैकेट ब्रैकेट जो है वो क्लोज हो गई। अब इक्वल का साइन डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पे 2, आपके पास आएगा 2 √3, 2, 2 √3, यहाँ पे भी k + 5 आपके पास एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे लिख दिया मैंने k + 5, और यहाँ पे जो है ये 5 है दिस वन राइट स्टूडेंट्स, ये इस तरीके से क्लोज हो जाएगा राइट स्टूडेंट्स। अब इज इक्वल का साइन एज इट इज डलेगा, इक्वल के बाद जो है वो ए का डिटरमिनेंट इस तरीके से है, या मैग्नीट्यूड कुछ इस तरीके से है, इज इक्वल टू √2 का स्क्वायर + √3 का होल स्क्वायर + (k+5) का होल स्क्वायर राइट स्टूडेंट्स। अब जो है ये 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + 12 + सिंपल कुछ भी नहीं हो रहा, यहाँ पे जो स्क्वायर मैंने लिए हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ इस तरीके से, -k + 5 का होल स्क्वायर एज इट इज, और यहाँ पे जो हमारे पास बनेगा दिस वन, ये ब्रैकेट को जो है वो क्लोज करना है, ये इस तरीके से होगा राइट स्टूडेंट्स। फिर हमारे पास यहाँ पे होगा k + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25 - 16 राइट स्टूडेंट्स, इट इक्वल टू k + 5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो k + 5 यहाँ पे लिख दूंगा मैं, इज इक्वल टू +-3 which implies that हमारे पास होगा k = -5, this one is k = -5 + 3, -5 - 3, और k जो है वो -2 - -8 कुछ इस तरीके से है। अब आप देखें -5 जहां मैंने लिखा हुआ है, ये -5 + 8 होगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, -2 बचेगा, और ऊपर जो मैंने लिखा हुआ -5 - 3, ये मेरे पास क्या होगा, -8 बचेगा, ये कॉमन है राइट स्टूडेंट्स। और इससे पहले देखिए आप k + 5 = यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ नीचे, +-3, तो 5 जब इस तरफ आएगा
थ्री के एक बार प्लस होगा, मींस के प्लस माइनस थ्री जहाँ लिखा हुआ है, तो फाइव में थ्री एक बार ऐड होगा और एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, वही मैंने राइट साइड पे किया है। तो के की वैल्यू एक बार माइनस टू आएगी, कॉमा माइनस एट आएगी सेकेंड टाइम। तो ये इस तरीके से होगा क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन देखें तो थोड़ा बहुत ये उससे मिलता जुलता है, प्रीवियस जो हमने लेक्चर में किया था, और सिंपल वही कॉन्सेप्ट्स हैं, कोई इतने हार्ड एंड फास्ट कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर यूज नहीं हुए स्टूडेंट्स, आसान है और इसको आप इजीली परफॉर्म कर सकेंगे। एग्जाम्स में आएगा तो इनिशियल पॉइंट का वर्ड जहाँ पे यूज हो तो ये मेथड जो है वो आपने जो है इम्प्लीमेंट करना है। इसको आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लें, इसकी प्रैक्टिस कर लें, और क्विज से जो है इसकी प्रैक्टिस करें जो मैंने बनाए हैं, उसके अलावा नोट्स में तमाम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें जो मैंने आपको सॉल्व करके वेबसाइट पे दिए हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें अभी तक नहीं किया तो, और वी ट्यूशंस कम्युनिटी ग्रुप पे आकर आप हमसे क्यूरी कर सकते हैं कोई भी कन्फ्यूजन है तो। और स्टूडेंट्स मैं वंस अगेन अपनी आईटी टीम का शुक्र गुजार हूँ जिन्होंने हमें बहुत अच्छे से जो है वो ऑपरेशन की है हमारे साथ और हमें तमाम चीज़ें जो है वो मुहैया की हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप नेक्स्ट लेक्चर में भी इसी तरीके से मेरे लेक्चर को समझेंगे और रेगुलर रहेंगे मेरे तमाम लेक्चर्स के लिए। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।